प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदर आप सके बे। वेलकम टू सत्या भाई रिव्यू चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई रिव्यू, मैं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कमांडो 3 पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कमांडो 1, कमांडो 2 जैसे पिक्चर रिलीज हुई है पहले ही, और काफी अच्छा एक्शन है। और इसमें हीरो के रोल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में एक ही एक्टर हीरो है जो हमारे हीरो के रोल कर रहे हैं, विद्युत जमाल। काफी अच्छे एक्टर है, एकदम एक्शन किंग कह सकते हैं बॉलीवुड के, इतने अच्छे एक्टर है। इस पिक्चर में भी हीरो के रोल करते हैं और हीरोइन की रोल है जिसमें दो हीरोइन है, या तक कि उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, जिसमें है अदा शर्मा और अंगीरा धार। और इसमें विलन के रोल कर रहे हैं गुलशन देवैया। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में आपको शुरुआत में देखने को मिलता है कि इस पिक्चर के ट्रेलर में आपको देखने को मिलता है जिसमें हमारे विद्युत जमाल एक दंगल में दिखाई देते हैं कुश्ती करते हुए। पहला शुरुआती उनका स्टंट होता है, फाइट का स्टंट होता है, और एकदम जैसे दंगल में लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं। फिर उन्हें दिखाया जाता है इंग्लैंड में, लंदन में, जैसे पिक्चर की पूरी शूटिंग लंदन में कर चुके हैं, ले चुकी है, पूरी शूटिंग वहीं किया गया है देखने से लगता है। और यहां तक कि इसमें हमें दूसरी जो हीरोइन है जो अंगीरा धार, दरअसल इन्हें इससे दिखाया गया है जैसे मिशन इम्पॉसिबल पिक्चर में, जो लास्ट मिशन इम्पॉसिबल जब रिलीज होता है इस पिक्चर में, जब हीरोइन का जो गेटअप है ब्राउन कलर कोट, व्हाइट कलर टी शर्ट, ब्लू जीन्स, बिल्कुल वैसे गेटअप इनको दिया गया है। दरअसल जो हीरोइन है अदा शर्मा, इस पिक्चर में एक इंडियन एजेंट की तरह दिखाई देते हैं, उनके भी एक एक्शन क्वीन की तरह दिखाया गया है। और जो सेकेंड हीरोइन है अंगीरा धार जो है वो भी एक एक्शन क्वीन की तरह दिखाया गया है। बल्कि सिर्फ हीरो को इस पिक्चर में इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, बाकी दो हीरोइन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसके हीरो के बराबर इम्पोर्टेंस हमारे जो विलन जो है गुलशन देवैया, उनको भी उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है कि काफी एक्शन ही नहीं बल्कि एकदम स्मार्ट, और दोनों हीरो और विलन आपस में एक दूसरे के सामने जाते हैं पर एक दूसरे को छू नहीं पाते, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते, और बस ये चेतावनी देते रहते हैं एक दूसरे को कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें पकड़ के रहूंगा। और ये हमेशा विलन हमेशा चेतावनी देते रहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। बस इस तरह चलता रहता है ट्रेलर में शुरुआत से लेकर अंत तक, और काफी अच्छा एक्शन सिक्वेंस है। विद्युत जमाल के नाम सुनते आपको एक्शन ही याद आएगा, और काफी अच्छा एक्टिंग करते हैं, काफी अच्छा एक्शन भी करते हैं, एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। इसमें डायरेक्टर ने काफी अच्छा दोनों को इस्तेमाल किया गया, दोनों हीरोइन को एक एक्शन क्वीन की तरह दिखाया गया है, दोनों को काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। और पिक्चर का पूरा शूटिंग इंग्लैंड में ही लिया गया है, और बाकी काफी अच्छा है। देखते हैं पिक्चर जब 29 नवंबर को जब रिलीज होगी 2019 थिएटर में कैसे जमा पाती है, कैसे नाम कमा पाती है, और कैसे बॉक्स ऑफिस में धूम मचाती है। तब तक हम इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।